जोश सिम्पसन शीशे से आर्ट के नमूने बनाते हैं, लेकिन जोश का एक और शौक भी है, सितारों और सोलर सिस्टम के बारे में जानने का। जोश अपने इस काम में खला में मौजूद सितारों और सैयारों को भी शामिल करते हैं। मेरे काम में जमीन से आसमान को देखने या आसमान से जमीन और मुख्तलिफ सितारों और छोटे छोटे सैयारों को देखने के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होता है। जोश इस साल अपने हाथ से बनाए हुए शीशे के इन मॉडल्स के साथ स्मिथसोनियन क्राफ्ट शो में शामिल हुए हैं, लेकिन इस शो में मौजूद 120 हुनरमंदों की जगह लेने के लिए 1200 लोगों ने दरखास्त जमा करवाई थी। और जोश इस शो में शामिल होने के लिए पिछले 30 साल से कोशिश करते रहे हैं और ये उनकी इस शो में तीसरी शमूलियत है। मेरे ख्याल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना इस शो में शामिल होने से आसान है। जोश कहते हैं कि इस शो में हिस्सा लेना आसान नहीं क्योंकि ये जगह बदलता रहता है। जोश के भाई किम ने शो से 48 घंटे पहले जोश के रियासत मैसाचुसेट्स में वाक़ घर से वाशिंगटन तक सामान पहुंचाने के लिए 8 घंटे की ड्राइविंग की ताकि वो इस शो की इब्तदाई तकरीब में हिस्सा ले सकें। और इस तमाम भाग दौड़ के बावजूद जोश कहते हैं कि उन्हें इस काम में मजा आता है। मेरे लिए शीशा एक आर्ट है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए नमूने खलाई सफर के एहसास को उजागर करते हैं, वैसे ही जैसे मुझे खलाई शटल हबल की ली हुई तस्वीरें देखकर इसका एहसास होता है। और इस शो में आने वाले लोगों को जोश के बने हुए शीशे के खलाई नमूने अपनी तरफ खींचते रहे। जब मैंने ये देखा तो मैं इनकी तरफ खींची चली आई, खास तौर पर इनकी चमक और शीशे की खूबसूरती की वजह से, इसीलिए मैंने इसे खरीदा भी। जोश कहते हैं कि इस शो की खास बात यह है कि इसके टिकट से होने वाली आमदनी से स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के तालीमी और तहकीकी कामों में मदद की जाती है। जूली टॉबो के साथ साकिब अल इस्लाम, उर्दू VOA।